नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पुलिस अधीक्षक अमित सिंह द्वारा जुआ सट्टा खिलाने वालों और अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार, अवैध उत्खनन के कारोबार में लिप्त आरोपियों को चिन्हित करते हुए प्रभावी कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। आही कर रही है आधारताल पुलिस ने संदिग्ध हालत में खड़ी सेंट्रो कार सहित डिक्की में एक कैन और एक कुप्पी में रखी 55 लीटर कच्ची जब्त करते हुए ड्राइवर सीट पर बैठे तस्कर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अभी अवैध शराब, मादक द्रव्य, जुआ सट्टा की धरपकड़ और इस पर अंकुश लगाए जाने हैं तो हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमित सिंह साहब के द्वारा प्रभावी अभियान चलाया गया है और उसी अभियान के अंतर्गत मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। उस मुखबिर तंत्र के माध्यम से हमको गत रात्रि हमारे थाने के प्रधान आरक्षक सुरेंद्र को मुखबिर के माध्यम से खबर मिली कि सेंट्रो कार नंबर सेंट्रो कार गाड़ी से आरोपी संजय जाट और अंजनी सोनकर और मोहित सोनकर, इनके द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध शराब की स्मगलिंग की जाने वाली है। यह सूचना लगभग हमको 2:30 बजे के आसपास रात को मिली थी। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए गढ़ा थाना अंतर्गत पूर्वा झंडा चौक में रहने वाले दीपक ध्रुवे को 3 बदमाशों ने चाकू से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वारदात के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और आरोपियों को तुरंत तलाश कर गिरफ्तार करने की मांग की। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों के समझाने पर परिजनों ने धैर्य रखा और घेराव समाप्त किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। बुके बढ़ रहा साथ में ठीक। क्या हुआ अभी, क्या हुआ, क्या घटना थी, क्या बात? हम लोग झंडा चौक में खड़े थे, मैं चौक अड्डे में, तो बस साथ में खड़े थे, ये भाई यहाँ हम लोग के साथ ही खड़ा था। वो लोग गाड़ी में 2-3 दारू। कौन आया गाड़ी में? 2 गाड़ी में आए थे, एक एक्टिवा रही और एक 150 रही। वहाँ से हम लोग ने दारू पी के आ रहे थे, हम लोग खड़े थे, वो लोग आए हैं और साथ में भेड़ दिया उन लोगों ने, भाई को भेड़ा। हम लोग ने पूछा है उन लोग से क्या हुआ, तो उतने में दारू पी रहे और सामने कैसा है और चाकू लगा के मार दिया। नशे के काले कारोबार को खत्म करने में जुटी जबलपुर पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है। ओमटी थाना पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस को 260 ग्राम स्मैक मिली है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 26 लाख बताई जा रही है। पुलिस को एसटीएफ से सूचना मिली थी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज इलाके के चंदन वन गार्डन के पास एक युवक संदिग्ध हालत में खड़ा है, जिस पर पुलिस से मौके पर दबिश दी तो उसे नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा के इमलिया गांव में रहने वाला 24 साल का सुमित किरार अवैध रूप से स्मैक रखे हुए ग्राहक का इंतजार करते मिला। जब पुलिस ने आरोपी सुमित की तलाशी ली तो उसके जेब से एक पैकेट में 260 ग्राम स्मैक मिली। पुलिस का कहना है कि आरोपी सुमित पकड़ी गई स्मैक को बेचने की फिराक में था। वह स्मैक को कहां से लेकर जबलपुर आया और यहां किसे देने आया था, ये पता लगाने के लिए आरोपी सुमित से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने सुमित के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 260 ग्राम स्मैक के साथ सुमित किरार को एसटीएफ और लोकल पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके पकड़ा है। ये पुराना ड्रग्स पैडलर है, कैरियर है, डिलीवरी बॉय है, जो यहाँ पर पिछले काफी समय से आता था। 2016 में ये नरसिंहपुर में अरेस्ट भी हो चुका है, नरसिंहपुर का रहने वाला भी है। हम अभी से पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है और इसका डेस्टिनेशन क्या था, ये बीच की कड़ी है और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, झालावाड़ के कुछ लिंक्स मिले हैं जिसपे हमारी टीम काम कर रही है। निश्चित तौर पर हम उसके तय पर जाएंगे और ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि झालावाड़ से आगे का कनेक्शन कहाँ से है, कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है, क्या मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम से ये ड्रग्स लाई गई, स्मैक लाई गई है। निश्चित तौर पे भी हम इस पे भी काम कर रहे हैं और इसके तह तक जाएंगे और नार्कोटिक्स का जो ये प्रोडक्ट है इसकी तह तक जाएंगे। यहाँ पर कौन से लोग हैं जिन्होंने गरियाबंद जिले के उड़ीसा सीमा में अंतिम छोर पर बसे देवभोग अंचल में पड़ोसी राज्य उड़ीसा से स्थानीय मंडियों में धान खपाने की खबर के बाद जिले के कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए थे कि किसी भी स्थिति में उड़ीसा से धान छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचना चाहिए। कलेक्टर के निर्देश के बाद देवभोग एसडीएम ने एक टीम बनाई है जो लगातार आ रहे
अवैध धान को पकड़कर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह देवभोग तहसीलदार शरद चंद्र यादव ने धान से भरे ट्रैक्टर को पकड़ा। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद तहसीलदार ने मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर वाहन को सुरक्षा के लिए थाने में सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य ओडिशा में धान का बोनस नहीं मिलने की वजह से ओडिशा के किसान अपने रिश्तेदारों के यहाँ धान लाकर बेचते हैं, जिस पर नकेल कसी जा रही है। कार्रवाई के बाद धान के दलाल और बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। सर, यहाँ पर लावारिस अवस्था में धान पाया है, सर क्या कार्यवाही हो रहा है? लावारिस अवस्था में नहीं था, हम उसको पकड़े हैं। वो वहाँ से आ रहा था, उड़ीसा से लाया है। ड्राइवर का स्टेटमेंट ये है, वो बताता है गुहे कलर का एक व्यक्ति का धान मैं लाया हूँ साहब उड़ीसा सरहद से, और हमारी गाड़ी देख के छोड़ के चला गया। उसका स्टेटमेंट लिए, उसका कोई ये नहीं था। क्या कार्रवाई की है सर अभी तक? इसमें हम ये बना के प्रतिवेदन बना के एसडीएम साहब को सौंप दिए, आदेश दे रहे हैं। जबलपुर की उमती पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के मामले में 2 साल से फरार एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबलपुर के बंबा देवी इलाके में रहने वाले इस फरार आरोपी राजेंद्र प्रजापति की गिरफ्तारी पर 3,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस की माने तो वर्ष 2017 में राजेंद्र और उसके साथियों ने समय क्रेडिट सोसाइटी के नाम से संस्था बनाई और लोगों से रुपए जमा करवाकर फरार हो गए। कंपनी की ठगी का शिकार पीड़ितों ने उमती थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया। प्रकरण कायम करने के बाद मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन राजेंद्र और उसका एक साथी फरार थे। इस प्रकरण में अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष है। मामला लगभग 40 लाख रुपए की ठगी का है। चल रहा था, कितना इनाम था इसके ऊपर? इसके ऊपर 3,000 रुपए का इनाम था, और इन्होंने समय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से एक संस्था बनाई थी, जिसमें ये अंशदान हर महीने जमा करते थे। बाद में इनकी पूरी टीम पैसे लेके भाग गई थी। इस पर से इनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया था 420/67/71 का, और अभी इसको ऊपर इसको मिला नहीं था, तो 299 फरारी में जमानत पेश किया गया था और इस पर 3,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया था। तो अभी क्राइम ब्रांच की टीम ने और हमारी थाना उमती की टीम ने संयुक्त रूप से मेहनत करके इसको पकड़ा है। क्या नाम है आरोपी का भैया? ये प्रजापति है, एक मिनट नाम में देख लेता हूँ, राजेंद्र प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि आहरण करने के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं करने और राशि को गबन करने के मामले को लेकर देवभोग जनपद सीईओ मोहनीश देवांगन ने कड़ा रुख दिखा दिया। सीईओ ने पीएम आवास में लापरवाही बरतने वाले हितग्राहियों के नाम से देवभोग थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए एक पत्र प्रेषित किया है। साथ ही उक्त पत्र में निर्माण में लगे मिस्त्रियों का नाम भी है, जो निर्माण कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने की खबर के बाद हितग्राहियों में हड़कंप मच गया है और अपूर्ण निर्माण करने वाले हितग्राही अब पीएम आवास को जल्द पूर्ण कराने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि जनपद सीईओ के इस कदम के बाद कार्य में कितनी गति आती है। प्रधानमंत्री आवास में 16, 17 और 17-18 में कुछ हितग्राही हैं, जिनके द्वारा राशि का दुरुपयोग कर दिया गया है। उनको बार बार निर्देशित किया गया है कि आप आवास जल्दी से जल्द बनाए करके, परंतु उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और राशि का दुरुपयोग कर दिया गया है। तब संबंध में थाने में कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया है। सर, उसमें मिस्त्रियों का नाम भी है? मिस्त्रियों का नाम भी है। मिस्त्री भी कुछ हितग्राहियों से पैसा लेके काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी नाम है। सर, आने वाले दिनों में और क्या कार्रवाई करेंगे सर? जो अगर शासन की ये महत्वपूर्ण योजना है, अगर शासन की योजनाओं में ये लोग जो शासन से प्राप्त राशि आई है उसका अगर दुरुपयोग करते हैं, तो निश्चित ही इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गढ़ा थाना प्रभारी शफीक खान दिनांक 9 जनवरी 2019 को विश्वसनीय मुखबिर की सूचना बदनपुर के पास सुपरमार्केट से कुछ लोग सट्टा पट्टी लिख रहे हैं। मौके पर दबिश देते हुए सट्टा लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कब्जे से नकद 9,000 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त करते हुए सटोरियों के विरुद्ध धारा 13 सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सटोरियों को रंगे हाथों पकड़ने में प्रधान आरक्षक दयाशंकर, आरक्षक शेर सिंह, लखन निषाद, विजय पाठक की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पूरे जिले भर में ये कार्रवाई बहुत सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से की जा रही है। थाना गढ़ा क्षेत्र के अंतर्गत कल बदनपुर क्षेत्र से 9,000 रुपये का सट्टा पकड़ा गया, जिसमें 4 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, और ये लगातार कई दिनों से कार्रवाई जारी है। और पुलिस सटोरीय जुआरी, अवैध धंधा करने वाले, शराब बेचने वाले स्मैकियों के खिलाफ निरंतर और प्रभावी कार्रवाई कर रही है।
दतिया कोतवाली क्षेत्र के भदौरिया की खिड़की निवासी जीतू कुशवाहा को अगवा करके उसकी हत्या कर सिंध नदी में फेंकने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपी गोविंदा कुशवाहा और राजू कुशवाहा को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गणों पर पुलिस अधीक्षक दतिया द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। 4 जुलाई 2018 को हुए इस हत्याकांड में कुल 7 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 5 पहले ही पकड़े जा चुके हैं। दो आरोपी गोविंदा और राजू कुशवाहा कल रात TI कोतवाली शेर सिंह के साथ सहयोगी पुलिस बल ने गिरफ्तार किए। बताएं सर, 18/7/2018 को जीतू कुशवाहा नाम के व्यक्ति को अपहरण करके 7 लोग ले गए थे, जिनके द्वारा इसकी हत्या करके इसको सिंध नदी में फेंक दिया था। इसके सभी आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपी शेष थे, गोविंदा कुशवाहा और राजीव कुशवाहा, जो आज रात में गिरफ्तार किए। और गोविंदा कुशवाहा एक अन्य चोरी के मामले में वांटेड है, इसे चोरी का माल जो है पेंट इत्यादि जब्त हुए। दोनों आरोपियों के ऊपर 10,000 रुपये का इनाम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से घोषित किया गया। दिनांक 4 जनवरी 2019 को डायल 100 द्वारा सूचना मिलने पर ग्राम मकोनी में महिला रेखा दोहरे और उसका 4 वर्षीय पुत्र शिवा दोहरे रात को अपने कमरे में सोए हुए सुबह कमरे में ना मिलने की बात गुमशुदा की भाभी कुसुम पत्नी महेंद्र दोहरे द्वारा पुलिस को बताई गई। घटना स्थल का निरीक्षण के दौरान कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे और जमीन पर फैला हुआ खून पोंछा हुआ दिखाई दिए जाने पर अपराध क्रमांक 419 धारा 363 महिला रेखा की गुमशुदगी क्रमांक 119 पंजीबद्ध का तलाश की गई, तो घटनास्थल महिला कुसुम के प्रेमी परशुराम कोरी निवासी खिरिया और उसकी बुआ का लड़का धर्मेंद्र द्वारा कुसुम के कहने पर सोते समय रात को दोनों की गला घोटकर हत्या करना और दोनों के शवों को शाहजहाँपुर नगर में फेंक देना आरोपियों द्वारा बताया गया। भाभी द्वारा इस षड्यंत्र का खुलासा पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह चावला के मार्गदर्शन में उनाव DSP अभिनव कुमार बारंगे, थाना प्रभारी थाना सरसई श्वेता सिकरवार और उप निरीक्षक अजय अम्बे की भूमिका सराहनीय रही। दिनांक 4 जनवरी 2019 को डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि उनाव थाने अंतर्गत ग्राम मकोनी में महिला रेखा दोहरे और उसका 4 वर्षीय पुत्र शिवा दोहरे वो रात से कहीं गायब हैं, जिस पर से तत्काल पुलिस वहां पहुंची थी। DSP श्री अभिनव बारंगे वहां पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया, जिस पर से उन्हें कहीं कहीं पे खून के कुछ धब्बे प्राप्त हुए, जिस पर से उनका शक गहराया। इसके पश्चात कड़ाई से पूछताछ करने पर और जो क्लूज वगैरह हैं आने जाने वालों की तलाश करने पर इससे हमें पता लगा कि 2 व्यक्तियों का वहाँ पे आना जाना हुआ था। सख्ती से पूछताछ करने पर जो उसकी भाभी है कुसुम दोहरे इस पर भी शक हुआ, क्योंकि वो 2 ही महिलाएं उस घर में निवास कर रही थी। उनसे पूछने पर और क्लूज को कनेक्ट करने पर ये पता लगा कि कुसुम दोहरे ने अपने 2 सहयोगी परशुराम और धर्मेंद्र कोरी, परशुराम भंडेर क्षेत्र में गांव का रहने वाला है, पर ये धर्मेंद्र झांसी के राजगढ़ का रहने वाला है, इन दोनों के साथ मिलकर जमीन और संपत्ति के लालच में अपनी भाभी रेखा दोहरे और उसके 4 वर्षीय बालक शिवा दोहरे की हत्या करके पड़ोस की में बहने वाली नहर में फेंकवा दिया और उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर से तत्काल इन दोनों को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके 2 दिन तक प्रयास के बाद और सिंचाई विभाग की मदद से नहर को रुकवा कर उस मर से रेखा दोहरे का शव बरामद किया गया। इन दोनों आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए थाना उनाव की टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे की तलाश अभी चल रही है। इन्होंने बोरे में शव को फेंकना बताया है, क्योंकि 4 वर्षीय बालक है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम लोग शीघ्र उसको ढूंढ लेंगे। बालाघाट जिले का बहुचर्चित सराफा व्यापारी सुनील काकरिया हत्याकांड के 5 आरोपियों को जमशेदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की पुष्टि स्वयं जमशेदपुर पुलिस के CSP श्री अनूप बिरथरे ने की है। श्री बिरथरे के अनुसार बीते दिनों जमशेदपुर पुलिस ने 2 लोगों को किसी दूसरे अपराध में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में यह जानकारी उन्होंने दी कि उनके द्वारा बालाघाट की सराफा व्यापारी सुनील कांकरिया की हत्या की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोग शामिल थे, जिसके 3 आरोपी पहले से ही किसी आरोप में जेल में हैं। बिलथरे अनुसार हत्याकांड के आरोपियों को इस समय जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जांच के दौरान न्यायिक रिमांड में भेज दिए गए हैं। इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि बालाघाट पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी गई थी।
पुलिस बाकायदा जमशेदपुर पहुंचकर सभी आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत बालाघाट ले आई। गौरतलब है कि 21 नवंबर 2017 की दरमियानी रात को बालाघाट के सराफा व्यापारी मेन रोड स्थित सुनील की निर्मम तरीके से उनके घर के भीतर घुसकर अज्ञात आरोपियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। एक साल से लगातार पुलिस हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में देश के कोने कोने में अलग अलग टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। तत्कालीन एसपी श्री अमित सांगी ने जांच के लिए एक जंबो टीम बनाई गई थी जिसमें लगभग 3 दर्जन से अधिक अधिकारी शामिल थे। जिले के अमूमन सभी थाना प्रभारी के साथ सीनियर एसआई तक टीम में जांच के लिए शामिल किए गए थे। बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। हत्याकांड की सफलता जमशेदपुर पुलिस को धोखे से ही सही लेकिन मिल गई, जिससे बालाघाट पुलिस के तमगे पर लगाया दाग मिट गया, जिसके बाद अब पुलिस को इस सवाल का सामना नहीं करना पड़ेगा कि सुनील कोठारी हत्याकांड का हुआ क्या। सुनील हत्याकांड की पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था आरोपी राकेश जैन था, जो कि सुनील कोठारी का दूर का रिश्तेदार है। उसके द्वारा ही पूरे हत्याकांड की रचना रची गई और मिलकर राजू जाट निवासी जमशेदपुर के साथ पूरी घटना की व्यू रचना रची गई थी। 2017 में बालाघाट में एक सेंसिटिव मर्डर केस हुआ है। सुनील कंकरिया सराफा या पर सुनील कंकरिया के हत्याकांड के बारे में। सो अभी उस केस में हमें कुछ मुखबिर से सूचना मिली है, उसके हिसाब से झारखंड जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें पार्टी भेजना पड़ा। पार्टी भेजने के बाद वहाँ झारखंड पुलिस के मदद से मेन आरोपियों को हम 3-4 दिन वहाँ हमारे टीम रह के उनको आइडेंटिफाई करके जमशेदपुर पुलिस के मदद से उन लोगों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।